सर पर मंथ क्या अपना प्रॉफिट हो जाता है, क्या बचत हो जाता है? देखिए सबका डिपार्टमेंट अलग अलग है सर, चिक्स डिपार्टमेंट से लगभग महीने का लगभग मान के चलिए कि 1 लाख रुपया तो आ ही जाता है जी। मुर्गी से भी आ जाता है, अच्छा, अंडा से भी आ जाता है, अच्छा, बटेर का भी है, सबसे लगभग मिला जुला के चलते रहता है, किसी में ऊंचा है तो किसी में नीचा है, सब सीजन के हिसाब से चलते हैं। दोस्तों नमस्कार, आज हम पटना में आए हुए हैं उदय जी के देसी पोल्ट्री फार्म पे, और उदय जी की बात कीजिए तो उदय जी एक काफ़ी अनुभवी किसान हैं और काफ़ी पहले से देसी मुर्गी, साथ में मछली पालन और साथ में सर बटेर पालन भी करते हैं, और काफ़ी अच्छा खासा इनको अनुभव है देसी मुर्गी पालन के बारे में। और देसी पोल्ट्री से अगर बात कीजिए कि उदय जी हर महीने एक अच्छा प्रॉफिट भी कमाते हैं, तो आइए आपको उदय जी से मिलाते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं फीड रेंज में भी और फार्म में भी सर पालन कर रहे हैं, और इससे अंडा निकालते हैं और अंडे से अपना चूजा बना करके और किसानों के पास सप्लाई भी करते हैं। तो आइए मिलाते हैं उदय जी से और देते हैं जानकारी कि नए किसान भाई कैसे सफल हो सकते हैं देसी पोल्ट्री फार्म में और मार्केटिंग अपना कहाँ कर सकते हैं, इसके पूरे विषय में बात करते हैं। उदय जी स्वागत है आपका सर हमारे चैनल में। जितने भी किसान भाई आपको देख रहे हैं उनके लिए आप अपने फार्म का और अपना एक छोटा सा परिचय दीजिए पहले। जी मेरा नाम उदय कुमार हुआ, मेरा फार्म का नाम KA पोल्ट्री फार्म परसा संपाचक रोड जी में है, मेरा फार्म बायोडीजल पेट्रोल पंप के पास। बिल्कुल सर, हमारे पास देसी में सोनाली मुर्गी का भी पोल्ट्री फार्म हो रहा है जी, और बटेर का काम हमारे पास होता है, जिससे हमारे पास मीट के लिए भी मुर्गी मिलेगा और अंडे के लिए भी मुर्गी मिलेगी, अंडा भी हमारे पास उपलब्ध है, इससे हम चूजा तैयार करके कस्टमर को देते हैं। अच्छा जी सर, बटेर की बात कीजिए, अभी कितना क्वांटिटी में रखे हुए हैं? बटेर अभी 500-700, अभी सीजन ऑफ है इसलिए कम है, फिर आने वाला सीजन में यहाँ पे अच्छा खासा बटेर लगभग 5 से 10 हज़ार बटेर हमारे पास रहता है जी। पेरेंट मतलब बर्ड वो भी रहता है, सीजन में रखते हैं, सर्दियों में जैसे कि बटेर का ज़्यादा डिमांड होता है तो सर्दी में ज़्यादा रखा जाता है जी जी, उसी वजह से पेरेंट्स उस समय बढ़ाया जाता है। और बिल्कुल बिल्कुल जी सर, तो अभी जो अभी सर आपका हम ये फार्म देख रहे हैं पूरा खेतों में ये फार्म है, यहाँ पे आप फीड रेंज भी कर रहे हैं, फार्म में भी कर रहे हैं, तो यहाँ पे अभी कितना क्वांटिटी में सर मुर्गी रखे हुए हैं आप? यहाँ पे अभी 2000 क्वांटिटी में मुर्गी है सर, जो कि यहाँ लेयर के लिए है, इसका फर्टाइल अंडा तैयार इससे होता है और इससे हम चिक्स तैयार करते हैं। अच्छा जी, इससे आप चिक्स तैयार करने के लिए यहाँ पे मुर्गी आपका लेयर मुर्गी है जी जी। ये जो सर आपका हम फार्म देख रहे हैं, थोड़ा सा फार्म भी आपका काफी यूनिक है, एक तो खेतों में आप बनवाए हुए हैं और देख रहे हैं सर टीन का सेट आप बनवाए हुए हैं, ठीक है, तो सर टीन के सेट में पालन करना आपको दिक्कत नहीं होता है सर? नहीं, मैनेजमेंट रखना पड़ता है उसके, टीन के सेट में गर्मी के दिन में उस पर ऊपर से पुआल देना पड़ता है और स्प्रिंकलर वगैरह इस पर चलता है, अंदर से फॉगर, अच्छा जी, और वेंटिलेशन का अच्छा ख्याल रखना पड़ता है, तो फिर वैसा कोई दिक्कत नहीं होता है। अब सबको जगह और ज़मीन उस हिसाब से देखते हुए काम करना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल, कितना सर लंबाई चौड़ाई लेंथ क्या होगा सर आपके फार्म? लगभग 200 फीट लंबा होगा और 15 फीट चौड़ा होगा, इसमें आराम से हम 2000 मुर्गी पालन कर सकते हैं सर। 2000 मुर्गी इसमें है सर। बिल्कुल, अभी तो सर धूप है तो मुर्गियां सर काफी कम देख रहे हैं कि फार्म के बाहर भी आ रही है और फार्म के अंदर भी जा रही है, तो सर बाहर निकलने का टाइमिंग क्या होता है? कितना सुबह में निकलेगा, धूप जब धूप हो जाएगा तो कम सब अंदर चला जाता है, गर्मी से इसको परेशानी होती है। बिल्कुल, इसलिए अच्छा जी सुबह शाम ज्यादा मुर्गी दिखेगा। अच्छा जी, तो सर 2000 में अगर बात कीजिए कि अभी मुर्गी कितना है और इसमें आप मुर्गा कितना रखे हुए हैं? मुर्गा 10% मुर्गा है जी जी, बाकी मुर्गी है, बाकी मुर्गी है। और अभी सर फार्म पे बात कीजिए कि अंडा कितना आ रहा है अपने फार्म पे? यहाँ पे यहाँ से अंडा अभी लगभग 700 से 800 के बीच में डेली अंडा हमको प्रोडक्शन मिल रहा है, डेली अंडा मिल रहा है, ठीक है। और ये जो सोनाली सर बर्ड है कितना दिन से लगभग थी आपके फार्म पे अंडा दे रही है? ये बर्ड लगभग साल भर का हो गया है, अब 1 साल का हो गया अंडा देते हुए इनको। जी जी, अच्छा जी, 1 साल से अंडा दे रही है जी। सर बात कीजिए कि दाने के सिवा और क्या इनको दे रहे हैं खिलाने में? दाने के सिवा इनको धान दिया जाता है। अच्छा जी जी, धान दिया जाता है, ग्रीन फीड में घास वगैरह दिया जाता है, थोड़ा सा डिवॉर्मिंग के लिए नीम का पत्ता वगैरह लगाते रहते हैं इसमें हमेशा, मतलब ये सब भी दिया जा सकता है फीड के अलावा? जरूर, ये लोग बहुत चॉइस करता है इस सब। अच्छा, भोजन को हरा भोजन ये लोग बहुत चॉइस करता है। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपको तो देसी पोल्ट्री में एक अच्छा खासा मेरे ख्याल से अनुभव है और काफ़ी पहले से अनुभव है, नए किसान जो है सर काफ़ी लोग मुर्गी पालन करते तो हैं बट मार्केटिंग नहीं कर पाते हैं। हमारे पास भी कई लोग कमेंट करते हैं कि मार्केटिंग वीडियो बनाइए, कैसे कहाँ पे हम सेल कर सकते हैं, उनके लिए आप बताना चाहें कि क्या वो कैसे मतलब तैयार करते हैं तो कैसे बेच सकते हैं, तरीका क्या है और कहाँ पे बेचे तो उनके लिए बेहतर होगा? देखिए जो भी भाई बंधु फार्मर लोग जो मुर्गी पालन करना चाहते हैं या कर रहे हैं, वो कम से कम अपने फार्म पे हमारे सुझाव से अपने फार्म पे एक काउंटर जरूर बना के रखें कि वहाँ से सेल करें।
अच्छा जो भी मुर्गी होता है वो वहाँ से सेल करें। अच्छा जी। एक रेट फिक्स कर लें कि 300 रुपये के जी बेचना है तो बेचना है। मार्केट में कहीं भी 300 रुपये के जी मुर्गी नहीं मिलता उसको कोई भी काउंटर पे, तो आप बेचिएगा तो आपका दूर दूर से कस्टमर बना हुआ रहेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। और हम कोशिश करें कि हमेशा हमारे पास मुर्गी रहे जी। अगर आप मुर्गी अपना आपका तैयार हो गया है और आप बेच रहे हैं बाहर भेज रहे हैं माल को, तो उसमें से भी ख्याल रखें कि 100 पीस कम से कम बचा के रखें ताकि हमको 2 महीना 1 महीना मुर्गी चले लोकल अपना खुदरा के लिए, वो नुकसान दे के ना जाए ताकि आपका कस्टमर बना हुआ रहेगा। बिल्कुल। तो सर कुछ लोग तो ज़्यादा भी मुर्गी पालन करते हैं, जैसे कि 1000 पीस और कोई डाल रहा है और तैयार करके बेच रहे हैं, तो वो लोग बताते हैं कि 1000 मुर्गी तो वो काउंटर से सेल नहीं कर सकते हैं, फार्म से सेल नहीं कर सकते। नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 1000 नहीं तो आप कम से कम 250 पीस भी सेल कर सकते हैं। तो 250 पीस सेल कर लिया और 250 फिर आप काउंटर्स पे दीजिए या जो भी बाहर से लोग आते हैं खरीदने के लिए उनको आप दे के। सर आपके कहने का मतलब कहीं ना कहीं कि अगर किसान भाई जो होलसेल में तो सेल करते ही हैं, कुछ उनको अपना काउंटर बना करके भी रखना है कि गांव वाले देहात वाले अच्छा प्रॉफिट देकर के उनके पास से लेकर जा सके। जी जी। और इसी वजह से हम देख रहे हैं कि सर आप भी अपना रोड के साइड में काउंटर एक लगाए हुए हैं जहाँ पे लोकल में भी सेल होता रहता है। काउंटर कहने का मतलब हो गया कि वहाँ पे मुर्गा रहे, उनको दिखे, कस्टमर दिखे। कोई भी चीज़ आज के डेट में जो जितना बढ़िया दिखेगा उतना ही ज़्यादा बिकेगा जी। तो आपको कस्टमर को दिखाने के लिए कुछ काउंटर बनाना ही होगा जहाँ पे मुर्गा उनको दिखे। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर आप अपने फार्म से देख रहे हैं कि आप भी कर रहे थे रोड के किनारे रखे हुए मुर्गी, कितना दिन में अगर एक दिन में की बात की जाए तो कितना मुर्गी सेल हो जाता है सर? लगभग 30-35 मुर्गी कभी 25 मुर्गी कम से कम में? हाँ कम से कम 25 मुर्गी तो सेल होता ही है। अच्छा, एक दिन में सर। और रेट क्या होता है मिनिमम? रेट हम लोग 300 रुपये केजी रखे हुए हैं। 300 रुपये केजी जो लोकल देहात में जी। और वही मुर्गी अगर किसान भाई चाहे आप भी पालन करते हैं अगर गोटा थोक में सेल किया जाए तो क्या रेट अभी जा रहा है? वो अभी लगभग 200 रुपये के आसपास जा रहा है। तो कम से कम मैं देख रहा हूँ कि सर उस पे तो सर प्रॉफिट भी ज्यादा है, आप कम भी सेल कर रहे हैं फिर भी ज्यादा कमा रहे हैं। एक मुर्गी पे 100 रुपये सीधे ज्यादा प्रॉफिट आप ले रहे हैं। जरूर। बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए तो कह रहे हैं कि लोग कस्टमर एक बरकरार भी रहेगा आपका और मार्केटिंग भी आपका होते रहेगा जी। तो सर ओवरऑल यहाँ पे अगर बात कीजिए कि लेयर फार्मिंग पे आपका लगभग 2000 कैपेसिटी का अभी फार्म आप बनाए हुए हो और यहाँ पे 2000 मुर्गी भी है, 2000 मुर्गियों पर डे का सर खर्चा कितना आ रहा है, इसको दाना कितना आप देते हो? पर डे पर मुर्गी के हिसाब से लगभग 80-90 ग्राम फीड इन लोग को दिया जाता है। अच्छा जी जी। उसके अलावा भी आप सर हरा चारा भी देते हो? हरा चारा भी मिलता है दोपहर में, थोड़ा सा दे दिया जाता है इन लोग को। हरा चारा में क्या आप देते हो? अभी तो चल रहा है ज्वार, बाजरा जिसको कहा जाता है, बाजरा का पत्ता है। अच्छा, और हमारे यहाँ जंगली घास में नरकट कहा जाता है जिसको सब जी, जी। मिल रहा है इन लोग। ये मतलब थोड़ा सा आपका स्टाफ है जो काट कूट करके थोड़ा सा लगा देते हैं जी, जी। तो उनसे भी इनका थोड़ा सा पोषण तैयार हो जाता है। जी जी बिल्कुल। तो लेयर बर्ड पे हम कहीं ना कहीं देख रहे हैं सर 80-90 ग्राम कहीं ना कहीं दाना देना अनिवार्य है, इतना हम दे सकते हैं। जी जी बिल्कुल सर। तो सर थोड़ा सा अपना बिजनेस मॉडल हमारे किसान भाइयों को समझाइए कि आपको करते हुए पोल्ट्री फार्म कितना समय हो गया और अभी जो आप बिजनेस मॉडल पे काम कर रहे हो कैसा आपका बिजनेस चल रहा है, मतलब किस मॉडल पे आप काम कर रहे हो, थोड़ा सा इसके बारे में। हमारे यहाँ सर मुर्गी का चिक्स भी तैयार होता है, यहाँ से बच्चा पे भी हम काम कर रहे हैं, इसका प्रोडक्शन करते हैं जी। और हमारे यहाँ मीट के लिए भी मुर्गी मिलेगा, अंडा के लिए भी मुर्गी मिल जाएगा। मुर्गी का जितना भी वैरायटी होता है मीट और अंडा जो भी है चिक्स सारा हमारे यहाँ उपलब्ध है। बिल्कुल। मतलब जिस हिसाब से भी कस्टमर आए आपस लौट कर ना जाए जी, जी। सब प्रकार का मार्केट कैप्चर किए हुए जी जी। और ये करते हुए सर लगभग कितना समय हो गया आपको? लगभग हमको 3 साल से ऊपर हो गया है। 3 साल से ऊपर हो गया है इस पोल्ट्री लाइन में जी। और हर बेसा का अगर बात की जाए कि कितने का लॉट चलता है सर आपका? लॉट हमारे यहाँ सर लगभग मुर्गी का लॉट हमारे यहाँ 1000-1200 मुर्गी का हमेशा बच्चा यहाँ पे डलाया हुआ रहता मतलब है, हुआ रहता मीट है। के लिए बिकने के लिए, मीट के लिए बिकने के लिए जी। और एक लॉट जो होता है 1000-2000 का, जो भी 2000 का भी लॉट चल रहा है सर ये लेयर पे है जी। ये जब तक अंडा देगी ये इसका डिपार्टमेंट अलग है सर, यहाँ से केवल अंडा प्राप्त होता है और चिक्स तैयार होकर सेल हो जाता है जी। और मीट के लिए अलग है, वहाँ से मीट के लिए मुर्गी तैयार होता है और मीट के लिए ही बिकता है, वो अंडा पे नहीं आता। तो वो जो सर मीट के लिए मुर्गी तैयार होता है वो अपने फार्म का ही चूजा होता है जी, अपने फार्म का ही रहता है। और इस मुर्गी से जिससे हम अंडा ले रहे हैं इससे कितना साल तक अंडा लिया जाएगा? लगभग 2 साल तक। 2 साल तक। और 2 साल अंडा लेने के बाद इनको फिर क्या किया जाता है? फिर ये भी बिक जाता है। ये भी बिक जाता है जी। अच्छा रेट में बिक जाता है जी। अच्छा रेट में बिक जाता है, उतना तो रेट नहीं मिल पाता है 200, लेकिन उससे कम रेट में बिक जाता है। मुर्गा का अच्छा रेट लगता है और मुर्गी का थोड़ा कम लगता है, लेकिन ये भी सेल हो जाता है। अच्छा जी। सर ओवरऑल अगर बात की जाए कि हमारे किसान भाई जो देख रहे हैं एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट आप लगाए हुए हो यहाँ पे, और काफ़ी लंबा चौड़ा में आप फार्म का घेराव भी किए हो, यहाँ पे मछली पालन भी आप कर रहे हो, साथ में मुर्गी पालन होने के लिए फ्री रेंज जगह भी रखे हुए हो। और ये जो हम सर जमीन देख रहे हैं ये पटना के बीचों बीच एक मतलब बात की जाए कि सिटी के बीचों बीच ये जमीन है लगभग, और अच्छा खासा कीमत वाला जमीन है, यहाँ पे काफ़ी महंगा भी जमीन है। तो इस पर आप फार्मिंग कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट सर इस यहाँ पे आप कितना लगाए हुए हो?
लगभग देखिए सर, मेरे पास मशीन से लेकर हर एक चीज़ है, इसमें लगभग 50 लाख रुपया का इन्वेस्टमेंट हम किए हुए हैं इस पर। अच्छा जी, और इससे अगर बात कीजिए सर, पर मंथ क्या अपना प्रॉफिट हो जाता है, क्या बचत हो जाता है? देखिए सबका डिपार्टमेंट अलग अलग है सर, चिक्स डिपार्टमेंट से लगभग महीने का लगभग मान के चलिए कि 1 लाख रुपया तो आ ही जाता है जी। मुर्गी से भी आ जाता है। अच्छा, अंडा से भी आ जाता है। अच्छा जी, बटेर का भी है, सबसे लगभग मिला जुला के चलते रहता है, किसी में ऊंचा है तो किसी में नीचा है, सब सीजन के हिसाब से चलते। तो दोस्तों ये रहा उदय जी के एक फार्म का छोटा सा टूर, आपको कैसा लगा है यहाँ पे आपको दिखा दे। तो यहाँ पे फीड रेंज में सर मुर्गी भी पालन कर रहे हैं और यहाँ पे खेतों के बीच में सर फार्मिंग कर रहे हैं। साइड में देखिएगा तो आप सर का तालाब भी है, दो दो तालाब है जिसमें INC मछली का पालन कर रहे हैं, देसी मछली वो भी पालन कर रहे हैं और साथ में बटेर पालन भी करते हैं। और बिल्कुल एक बात कीजिए कि नेचुरल तरीका से लेयर बर्ड पे तो ये रखे हुए हैं, उससे ये अंडा निकालते हैं और अंडा से चूजा भी निकालते हैं, लेकिन नेचुरल तरीके से ये फार्मिंग कर रहे हैं और दाना खिला करके इसमें थोड़ा सा हरा चारा भी ऐड करते हैं कहीं ना कहीं कॉस्टिंग कम करने के लिए, और इससे एक अच्छा बहुत ही बेहतरीन प्रॉफिट ले रहे हैं। और इनका बिजनेस मुझे इस तरह से भी अच्छा लगा कि कई किसान भाई एक चीज़ पे निर्भर रहते हैं, जैसे कई किसान भाई अगर अंडा सेल करते हैं तो वो सिर्फ अंडा ही सेल करेंगे, कई किसान भाई चूजा सेल करते हैं तो वो सिर्फ चूजा ही सेल करेंगे, लेकिन इनका बिजनेस मॉडल जो है ये हर तरह से कस्टमर को पकड़े हुए हैं। इनके पास आपको तैयार बर्ड भी मिल जाता है, ये तैयार बर्ड भी किसान को या कटिंग पॉइंट पर सप्लाई करते हैं, ये चूजा भी किसान को सप्लाई करते हैं। बहुत ही नज़दीक में इनके पास पटना मार्केट भी है, तो मार्केट में अंडा भी अपने सप्लाई करते थे, ये हर तरह से मार्केट कैप्चर किए हुए हैं और उससे एक बेहतरीन एक अच्छा प्रॉफिट भी ले रहे हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बोलना चाहूँगा चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कीजिए, अगर ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा। धन्यवाद।